ओके वेलकम बैक। आज हम लोग सिंपल मशीन का जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप वन के सम सॉल्व किए थे, आज हम लोग टाइप टू के सम शुरू करेंगे। टाइप वन एंड टाइप टू में जो बेसिक डिफरेंस है, हम जरा ध्यान दें उस पर कि टाइप वन में हमने देखा था कि वहां पे सिर्फ हमें एक ही लोड दिया था और एक ही एफर्ट था। टाइप वन के सम में क्या था, एक लोड और एक एफर्ट था, ठीक है, राइट। लेकिन टाइप टू के सम जो रहेगा उसमें कैसे रहेगा, मोर देन वन लोड एंड वन एफर्ट रहेगा, राइट। सो मेन डिफरेंस क्या है कि टाइप वन के जो सम्स थे उसमें तुम देखोगे कि एक ही लोड दिया था W और एक ही लोड दिया था P, एक ही वेट था लेट्स से 25 न्यूटन समथिंग ऐसा कुछ दिया होगा और एक ही एफर्ट था लेट्स से 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जब भी क्वेश्चन में अगर एक ही लोड हो और एक ही एफर्ट दिया है तो समझ में आना चाहिए कि ये हमारा टाइप वन के सम्स है, ठीक है। अगर अगर दो ये सॉरी अगर एक से ज्यादा लोड है, मतलब अगर दो लोड दिया है और दो एफर्ट, या फिर तीन लोड दिया है तीन एफर्ट, या फिर चार लोड दिया है चार एफर्ट, मतलब क्या हो रहा है सब चीजों में, ये एक से ज्यादा लोड और एक से ज्यादा एफर्ट्स है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस करेगा, टाइप टू करेगा, ठीक है, टाइप टू का सम्स, राइट। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप टू के सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप टू, टाइप टू का इशारा क्या है, इंडिकेशन क्या है कि उसमें दो दो ने दो हो सकता है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो बेसिक चीज क्या है कि टाइप टू के सम्स में एक से ज्यादा लोड और एक से ज्यादा एफर्ट होगा, ठीक है, एक से ज्यादा लोड एक से ज्यादा एफर्ट होगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप टू। टाइप टू के सम शुरू करने से पहले हमें एक कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन गिव्स अस रिलेशन बिटवीन, इट गिव्स अस व्हाट रिलेशन बिटवीन एफर्ट and load lifted by a machine. So what is law of machine? Law of machine gives what? Relation between effort P, effort matlab P, and load W, lifted by a machine. So what is law of machine? Law of machine is a relation between effort and load lifted by a मशीन। तो उसको समझने के लिए हम एक यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे, लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एंड एक्स एक्सिस, ओके। वाई में हम लोग ना एफर्ट को मार्क करेंगे, एफर्ट पी। वाई में हम क्या मार्क करेंगे, एफर्ट पी। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोई लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें कुछ एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, उस एफर्ट अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि लोड जो है वो मशीन लिफ्ट करेगा, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या कर दें, विल शो एफर्ट कहां पे, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हम लोग लोड मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, लोड, राइट, लोड। तो हमारा जो लॉ ऑफ मशीन है वो उसको अगर इस पे हम लोग रिप्रेजेंट करें, लॉ ऑफ मशीन, इस लॉ ऑफ मशीन को अगर इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो हमने जस्ट अभी देखा था कि लॉ ऑफ मशीन का डेफिनेशन क्या है, ये लॉ क्या बताता है हमें, दिस लॉ गिव्स अस रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड। अब हम इस रिलेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, राइट। हमें क्या चाहिए बेसिकली, एक एफर्ट एंड लोड का रिलेशन, हम इस रिलेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, राइट। तो प्लॉट कैसे करेंगे उसको हम लोग, जैसे यहां पे y में क्या है एफर्ट, x में क्या है लोड, राइट। अगर हम देखें ठीक से प्लॉट करें तो हमें ऐसे एक लाइन मिलेगा जिसका इक्वेशन है p इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एम डब्ल्यू प्लस सी, राइट। इसका जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है,
मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, ये ऐसा P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एम डब्ल्यू प्लस सी। अब ये ओरिजिन है, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सी है, राइट। यहां से डिस्टेंस क्या है, सी। तो अभी हम लोग यहां पे देखें, यहां पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, पी एम डब्ल्यू प्लस सी। मैं यहां पे लिखता हूं उसको, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है, दैट इज पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, उसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स, राइट। ये पी क्या है, पी इज एफर्ट, डब्ल्यू क्या है, लोड, सी क्या है, फ्रिक्शनल लॉसेस या फिर लॉस, और ये एम क्या है, एम इज स्लो, एम इज स्लो, राइट। तो एक लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा है लाइन का, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो ये जो लाइन है वो मुझे क्या बताता है, कि ये हर एक एफर्ट में, हर एक एफर्ट जब तुम अप्लाई करते हो, तो उस पर्टिकुलर एफर्ट में तुम कितना लोड लिफ्ट करते हो, कितना लोड लिफ्ट करते हो, ठीक है। क्या बताएगा वो, जब तुम कोई एफर्ट अप्लाई करोगे तो उतने एफर्ट में तुम कितना लोड लिफ्ट करोगे, वो जो मशीन है कितना लोड लिफ्ट करेगा, राइट। एक पर्टिकुलर एफर्ट जब तुम अप्लाई करते हो किस पे, मशीन पे, तो मशीन कितना लोड लिफ्ट करेगा। तो ये मुझे ग्राफिकली क्या, कौन बताता है, लॉ ऑफ मशीन मुझे बताएगा ग्राफिकली, ठीक है, राइट। तो ये वाई एक्सिस, इसमें हम लोगों ने एफर्ट को प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस, यहां पे हम लोग लोड को प्लॉट करेंगे, उसके बाद फिर जब हम लोग उसको एफर्ट वर्सेस लोड जब हम लोग प्लॉट करते जाएंगे, तो मुझे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये है सी, सी मतलब क्या है, फ्रिक्शनल लॉस, राइट। तो ये पूरे इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में चार टर्म्स है, एक तो पी एफर्ट, एम स्लोप, डब्ल्यू लोड, सी फ्रिक्शनल लॉस। लास्ट सॉरी लास्ट इसमें वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये फ्रिक्शन लॉस क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस क्या हम लोग, राइट। तो वो फ्रिक्शन लॉस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ऐसे ही है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या बताएगा, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस, राइट। क्या था वो फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला क्या था, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है, राइट। तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, फ्रिक्शनल लॉस रहेगा। मेन है अभी इसमें ये स्लोप क्या चीज है, मुझे पी का मतलब मालूम है एफर्ट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मुझे डब्ल्यू का मतलब मालूम है लोड, क्वेश्चन में दिया रहेगा, सी एंड एम जो है ये मुझे निकालना पड़ेगा। सी काफी इजी है निकालना, अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम है तो मुझे सी मिल जाएगा। प्रॉब्लमेटिक कहां पर होगा, एम, एम क्या है, स्लोप, राइट। व्हाट इज एम, एम का मतलब क्या है, स्लोप, ठीक है। अब उसको समझने के लिए हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं, ये लाइन की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से ये जो लाइन हमने बनाया वहां पे हम लोग दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट उस लाइन के ऊपर, कोई भी दो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट का क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा x1, y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है मैं उसका भी, सॉरी ये जो पॉइंट है मैं उसका भी कोऑर्डिनेट लिखूंगा x2, y2। हमेशा पहले x आएगा उसके बाद y आएगा, ठीक है, x, y। सो x1, y1, x2, y2, राइट। ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं किस पर, ये y पर, तो ये है मेरा x1, ये डिस्टेंस x1, और x1 क्या बताएगा, x1 क्या बताएगा, इसको पैरेलल कौन है, लोड। तो x1 मुझे क्या बताएगा, लोड कितना लिफ्ट किया गया, ठीक है।
वाई वन क्या है, अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं नीचे, राइट, हम लोगों ने क्या किया, देखो ये एक्स वन हो गया और ये वाई वन। रिपीट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन। एक्स वन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से ये जो वाई एक्सिस है वहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वाई वन क्या है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। अब देखो यहां पे एक्स, एक्स में क्या डिनोट करता है, एक्स लोड को डिनोट करता है, राइट। तो तुम्हारा ये जो एक्स है एक्स वन, इसको पैरेलल है ये लोड को पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स वन है वो किसका वैल्यू है, वो लोड का वैल्यू है। ये जो एक्स वन है वो किसका वैल्यू है, लोड का वैल्यू। और ये जो वाई वन है वो किसको पैरेलल है, एफर्ट, वाई को पैरेलल है एफर्ट। तो मतलब ये जो वाई है वो तुम्हें क्या देगा, एफर्ट का वैल्यू देगा। तो इसको नोट डाउन करो कि एक्स जो है वो हमेशा तुम्हें लोड कितना लिफ्ट किया है वो बताएगा, एंड वाई जो है वो क्या बताएगा, वो लोड को लिफ्ट करने के लिए तुमने कितना एफर्ट अप्लाई किया, राइट राइट। तो इस पॉइंट में दिस इज एक्स वन वाई वन, इधर ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू। इसका मतलब क्या है, यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या बन जाएगा, x2। यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो क्या बन जाएगा, ये y2, राइट। तो ये x2 मुझे क्या बताएगा, the amount of load lifted, x load lifted, x2 क्या बताएगा मुझे, amount of load lifted by the machine। अब ये y2 क्या बताएगा कि तुमने कितना effort apply किया उतना load को lift करने के लिए, ठीक है, लिफ्ट करने के लिए। समझ में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स एंड वाई का फंडा, राइट। हर एक पॉइंट तुम्हें डिनोट करेगा, हर एक पॉइंट तुम्हें डिनोट करेगा कि उस पॉइंट पर तुमने कितना लोड लिफ्ट किया और उस लोड को लिफ्ट करने के लिए तुमने कितना एफर्ट अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट वन है, लेट्स से दिस इज पॉइंट वन और ये पॉइंट टू। तो पॉइंट वन में मुझे क्या मिल रहा है, एक्स वन वाई वन। तो एक्स वन मुझे क्या बताएगा, कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, और वाई टू क्या बताएगा मुझे, कितना एफर्ट मुझे अप्लाई करना है वो लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट टू मुझे क्या बताएगा कि यहां पे लोड हम कितना लिफ्ट कर रहे हैं, एक्स टू, द वैल्यू ऑफ लोड कितना होगा, एक्स टू, और उस एक्स टू लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज वाई टू, ठीक है, राइट। तो कम बैक टू दी ओरिजिनल डिस्कशन, ये एम क्या है, एम इज स्लोप, एम इज व्हाट, स्लोप, एम क्या है, एम इज स्लोप, राइट। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज मैं ये बाकी के चीज निकाल देता हूं, ओके ये इसको नोट कर देना ठीक से, एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमने ये जो लाइन है ना, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, उसके ऊपर हमने दो पॉइंट मार्क किए, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू। पॉइंट वन का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लेट से यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, दोनों यहां पे आके मिलेंगे, ठीक है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, राइट। सो नाउ एम का मतलब क्या है, स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। टेन थीटा का मतलब क्या है, स्लोप, एंड स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम। एम का मतलब क्या है, स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा, राइट। अब यहां पे देखो, लेट्स, अब मुझे यहां पे लिखना है ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, राइट। वाई टू, ये वाई टू,
माइनस वाई वन, ये वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। ये फॉर्मूला टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है कि वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर। तो अब मैं ये फॉर्मूला को उठा के यहां पर लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर, राइट। अभी यहां पर देखो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या फिर कि देयरफॉर देयरफॉर एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। क्या मैं लिख सकता हूं उसको, राइट, क्योंकि यहां पे m इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 बाय x, सॉरी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, देयरफॉर इस m शुड आल्सो बी इक्वल टू y2 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड m का वैल्यू इफ रिक्वायर्ड। सो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, राइट। क्या फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बार बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू राइट इफ इन केस दे आस्क यू टू डिफाइन व्हाट इज लॉ ऑफ मशीन, उस केस में तुम्हें ये लॉ ऑफ मशीन के बारे में लिखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ मशीन गिव्स रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड लोड लिफ्टेड बाय ए मशीन। उसके बाद फिर ये ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद ये सब चीज लिखना है तुम्हें, लिखने के बाद फिर ये इक्वेशन लिखोगे, वेयर पी इज एफर्ट लिखोगे, एम इज स्लोप, डब्ल्यू इज लोड, सी इज फ्रिक्शनल लॉसेस, देयरफॉर एम इज इक्वल टू, ये तुम्हें सब लिखना उसको, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मशीन, और इसके ऊपर जो सम्स आएगा वो काफी इजी सम्स है, ओके, इसको लिख लो, याद रखो एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स हमेशा लोड लिफ्टेड, वाई क्या डिनोट करेगा, एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट दी लोड, ओके, राइट। तो टाइप वन में हमने जो फॉर्मूलेज देखे थे, हमने टाइप वन में वो सब फॉर्मूलेज तो याद होना ही है, नो डाउट, राइट। और टाइप टू में कुछ एडिशनल फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज उसको तुम्हें याद करना है टाइप टू में। नंबर वन, व्हाट इज लॉ ऑफ मशीन, What is law of machine? कैसे बताओगे, that is P is equal to MW plus C. This is the equation of law of machine. ये है law. This gives you what? Relation between effort and load lifted by the machine. Okay? ये मेरा पहला formula. Second formula, ये M क्या होगा फिर, M is equal to Y2 minus Y1 by x2 minus x1, and this is also equal to, let's say, tan theta, right? This is also equal to tan theta. Third hai yahan pe ki what is maximum mechanical advantage, maximum mechanical advantage, it is the reciprocal of slope, और हमारे इसमें स्लोप कौन है, ये एम है ना, स्लोप, स्लोप कौन है, एम, सो दैट इज वन बाई एम। सो जब भी मुझे बोले कि फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू वन बाई एम, वन बाई एम, सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन बाई एम। फोर्थ क्या है, एक और आएगा कि व्हाट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, what is maximum efficiency, that is equal to, हमें मालूम है कि what is efficiency का formula क्या है, ma by vr into 100, लेकिन मुझे क्या चाहिए, maximum, इसलिए यहाँ पे va क्या होना चाहिए, maximum, va क्या होना चाहिए, maximum, ठीक है। और एक last शायद से हमने देखा था कि if efficiency is greater than 50%, then the machine is called as what, reversible machine, and if efficiency is less than 50%, it is called irreversible machine, okay,
क्या बोलेंगे हम इसे? इरिवर्सिबल मशीन। तो ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, ओके, लॉ ऑफ मशीन के ऊपर, ये टाइप टू के सम्स हैं। और टाइप टू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप टू है? जब तुम देखोगे कि क्वेश्चन में मोर देन वन लोड एंड वन एफर्ट दिया है। क्या दिया है? मोर देन वन लोड एंड वन एफर्ट, ओके। तो प्लीज इसको लिख लो उसको, ये चार फॉर्मूले, चार पांच फॉर्मूले हैं, लिख लो उसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ओके, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, इसको पॉज करके लिख लो, ओके, लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग सीधा सम्स शुरू करेंगे सॉल्व करना, और तुम देखोगे कि ये सम्स कितने इजी है, जस्ट पांच पांच मिनट में आंसर मिलता जाएगा अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो, ओके, राइट। तो हम शुरू करते हैं, कैलकुलेटर रेडी, ओके, टाइप टू के सम्स, क्वेश्चन नंबर वन। An effort of 80 newton is required to lift a load of 10 kilonewton. On this machine, an effort of 1400 newton lifts a load of 22 kilonewton. Find the law of machine. अगर हम नोट करें यहां पे, इसमें क्या है? दो एफर्ट है, दो एफर्ट, दो एफर्ट कौन कौन सा है? एक तो 800 newton, let me write question number वन। तो यहां पे पहला एफर्ट P कितना है? वो 800 न्यूटन। दूसरा एफर्ट कितना है? 1400 न्यूटन, राइट। दो एफर्ट आ गया। अब यहां पे दो लोड भी आना चाहिए, चेक करो, आना चाहिए नहीं है इनके, मतलब यूजुअली आता है, चेक करो कि ये जो एफर्ट है 800 न्यूटन वो कितना लोड लिफ्ट कर रहा है? 10 किलो न्यूटन। तो मैं यहां पर कॉमा डालूंगा और यहां पर लिखूंगा W इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ न्यूटन। कैसे? बिकॉज 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, ओके। ये सब बेसिक चीजें हैं, सब आने चाहिए, दैट इज 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। सेकेंड क्या बोल रहा हो कि P कितना है? 1400, और ये एफर्ट के लिए कितना लोड लिफ्ट करेगा वो? दैट इज लोड इज 22 किलो न्यूटन, दैट इज 22 × 10³ न्यूटन, राइट, 10³ न्यूटन। फाइंड लॉ ऑफ मशीन, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ये क्वेश्चन है, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। बिफोर वी प्रोसीड, लॉ ऑफ मशीन क्या है? दैट इज पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये लॉ ऑफ मशीन। जब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड लॉ ऑफ मशीन, इसका मतलब ये है कि तुम ये जो एम है स्लोप उसका वैल्यू निकालो और सी जो है उसका वैल्यू निकालो, कि एम का वैल्यू कितना होना चाहिए, सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो मुझे क्या बताएगा? दैट्स इट, लॉ ऑफ मशीन। जब भी पूछेगा फाइंड लॉ ऑफ मशीन का मतलब क्या, ये एम और सी का वैल्यू निकालो, ओके, राइट। सो नाउ सॉल्यूशन, तुमने देखा कि यहां पे कैसा है? लेट्स सम, यहां पे वन लिख रहा हूं, यहां पे टू लिख रहा हूं, ये वन सेट ऑफ कंडीशन है यहां पे, दैट इज पी 800 लोड कितना है 10 × 10³ न्यूटन। दूसरा क्या है? P इज इक्वल टू 1400, इसको लिए लोड कितना लिफ्ट किया यहां पे 20 × 10³ न्यूटन, ठीक है। सो नाउ सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, By using law of machine, law of machine क्या है? P is equal to m w plus c. Therefore, from equation या फिर from condition one, this is my condition one और ये law of machine है, तो क्या है?
पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. ओके, ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ मशीन है. ठीक है, नाउ फ्रॉम कंडीशन वन, ये है मेरा कंडीशन वन, पी कितना है 800, यहां पे लिखो देयरफॉर 800 इज इक्वल टू एम, नहीं मालूम वैल्यू नहीं मालूम, तो एम को मैं एम लिख दूंगा. डब्ल्यू कितना दिया है 10 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस सी प्लस सी. या फिर यहां पे देखो हम ये भी कर सकते हैं कि राइट नहीं, वो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. फाइन, हम लोग सही जा रहे हैं. ओके राइट, सो दिस इज माई लेट्स से इक्वेशन नंबर वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज माई कंडीशन नंबर वन एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ओके, सो नाउ फ्रॉम कंडीशन टू, फ्रॉम कंडीशन टू क्या है, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. देयरफॉर कंडीशन टू में पी कितना है 1400 इज इक्वल टू एम का वैल्यू नहीं मालूम इंटू ये इंटू है. ओके, इंटू इंटू हाउ मच इज डब्ल्यू 22 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस सी. एंड लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. आई रिपीट, दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2. राइट, तो हमने क्या किया यहां पे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन फ्रॉम कंडीशन 1, लॉ ऑफ मशीन का हमने फॉर्मूला लिखा, फिर यहां पे देखा कि कंडीशन 1 से p का वैल्यू कितना है 800, m का वैल्यू नहीं मालूम, w 10 into 10 raised to 3 प्लस c का वैल्यू नहीं मालूम, मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया. हमने इस इक्वेशन को नाम क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 मैंने क्या किया, p इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, जो लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला है वो लिख दिया. उसके बाद फिर देखा कि p का वैल्यू कितना यहाँ पे 1400 लिख डालो, इज इक्वल टू एम अननोन इंटू डब्ल्यू कितना यहाँ पे 22 इंटू 10 टू 3 न्यूटन लिख दो प्लस सी करो, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया. ठीक है राइट, अब मुझे करना क्या है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना पड़ेगा, C एंड M का वैल्यू निकालना है. क्या करना है, आई रिपीट कि ये इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करके मुझे M और C दोनों का वैल्यू निकालना है. तो मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो लेट अस फर्स्ट राइट इक्वेशन 1. क्या इक्वेशन 1 है, M इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम प्लस सी. ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, 1400 इज इक्वल टू 22 इंटू 10 रेस टू 3 एम प्लस सी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है, अब मुझे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. तो मुझे अगर इस सी को उड़ाना है तो यहां पे प्लस इधर प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन का जितना भी साइन है मैं साइन चेंज कर देता हूं, आई मेक इट, आई चेंज इट साइन. ठीक है, यहां पे क्या है, क्यों साइन चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे प्लस सी है, मुझे यहां पे माइनस सी करना है, माइनस सी करूंगा तभी जाके क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा. ठीक है, दोनों कट हो जाएगा. सो देयरफॉर चेंजिंग द साइन ऑफ इक्वेशन 2, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है माइनस हो जाएगा. राइट, यहां पे देखो कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव हो, इधर कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है. ओके, सो अभी ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग उसको सॉल्व करें या फिर दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे करेंगे बताओ, सॉल्व कैसे करेंगे उसे, लेट अस, या फिर अगर ये इसको बताने से पहले मैं उसको ऐसे तुमको बता दूं,
सबका साइन चेंज करो, नो इश्यूज, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये प्लस सी माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कट हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 10 रेस टू 3 माइनस 22 इंटू 10 रेस टू 3, चेक कर लो कैलसी में कितना आ रहा है, प्लस 10 इंटू 10 रेस टू 3 माइनस 22 इंटू 10 रेस टू 3, तो कितना आएगा वैल्यू, ये इक्वल टू इक्वल डाल देता हूं पे, तो मुझे मिलेगा माइनस माइनस 12 इंटू 10 रेस टू 3 एम मिलेगा। इसको माइनस करो, ये प्लस प्लस 800 माइनस 1400, मुझे क्या मिलेगा यहां पे, माइनस 600, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है यहां पे, ये दो इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने, ओके। फिर हमने क्या देखा, या फिर तुम हमेशा देखोगे कि सी जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो बेस्ट इज बाय डिफॉल्ट इक्वेशन नंबर 2 जो है तुम उसका साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस सी माइनस सी कट हो जाएगा, फिर ये क्या प्लस 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम माइनस 22 इंटू 10 रेस टू 3 एम, जब उसको सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस 12 इंटू 10 रेस टू 3 एम मिलेगा, देयरफॉर प्लस 80 माइनस 140, जो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस 600 मिलेगा, ठीक है, सो देयरफॉर मुझे एम का वैल्यू चाहिए, सो माइनस 600 डिवाइड बाय, इसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, तो माइनस इंटू 10 रेस टू 3 इज इक्वल टू एम, ये माइनस माइनस दोनों कट हो जाएगा, राइट, दोनों माइनस है कट हो जाएगा, तो मुझे एम का वैल्यू कितना मिल रहा, चेक करो, 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 रेस टू 3, सो देयरफॉर एम इज इक्वल टू 0.05, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होगा, ओके। दो ही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 का, हर एक टर्म का तुम साइन चेंज कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें मिलेगा, फिर वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एम का वैल्यू मिलेगा, हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 है, क्या इक्वेशन 1 है, 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम प्लस सी, देयरफॉर 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम मुझे नहीं मिला, कितना मिला एम, 0.05 प्लस सी, प्लस सी, अब मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, सी का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, अब ये प्लीज मुझे पूछना नहीं कि ये सब सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, राइट, आई अज्यूम कि ये तुम्हें मालूम होगा, तो सी इज 300, सी इज 300, ओके, पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना है ये, 10 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 0.05, यहां पे 800 माइनस आंसर 300, ओके। तुमने क्या किया यहां पे, क्या किया है, ये दो कंडीशन से तुम्हें दो इक्वेशन मिले, 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें एम और सी का वैल्यू मिला, यही हमारा ड्यूटी है, यही हमारा टास्क है, ठीक है। नाउ फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लॉ ऑफ मशीन इज पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू एम मुझे कितना मिला, 0.05 डब्ल्यू प्लस सी, सी मुझे कितना मिला, 300, ओके 300, सो नाउ दिस इज योर लॉ ऑफ मशीन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, लॉ ऑफ मशीन, एंड दिस विल बी इन न्यूटन, यहां पे क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, न्यूटन, दिस विल बी इन न्यूटन, क्यों, क्योंकि तुम्हारा एफर्ट न्यूटन में है, लोड 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 सब किसमें, न्यूटन में, इसलिए जब तुम लोग ये लॉ ऑफ मशीन लिखोगे तो पी इज इक्वल टू एम का वैल्यू डब्ल्यू प्लस सी का वैल्यू, और यहां पर बाहर में क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, राइट, दिस इज हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, काफी इजी है ये, ठीक है,
एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसको लिख लो उसको, देन लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करो उसको, इसे पढ़ो, देखो टाइप वन का है कि टाइप टू का है। इन ए मशीन लोड ऑफ 500 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट 50 न्यूटन एंड अनदर लोड ऑफ 750 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन। ऑब्टेन द लॉ ऑफ मशीन, राइट। यहां पे देखो दो एफर्ट है, दो लोड है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। पहला क्या दिया है, ए मशीन इन ए मशीन लोड ऑफ 50, तो यहां पर W कितना है 500 न्यूटन। वॉज लिफ्टेड बाय एफर्ट कॉमा पी कितना है यहां पे, ये लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट अप्लाई किया हम लोगों ने 50। दूसरा लोड लिफ्ट करने के लिए कितना लोड था 750 न्यूटन, उसको लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट अप्लाई किया हम लोगों ने 60। फाइंड व्हाट, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। तो यहां पे कितने कंडीशन है, यहां पे दो कंडीशन दिया हमें, ये कंडीशन वन ये कंडीशन टू। ओके, तो लेट अस सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन फ्रॉम कंडीशन वन क्या है, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। देयरफॉर ये कंडीशन मैंने पी कितना है 50, एम नहीं मालूम, डब्ल्यू कितना है 500 प्लस सी, ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन नंबर वन। ओके, सिमिलरली फ्रॉम कंडीशन टू पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, कंडीशन टू पी कितना, कंडीशन टू में 60, एम नहीं मालूम, डब्ल्यू कितना है 750 प्लस सी, दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू। ओके, फिर हम क्या बोलेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन दिस आर कंडीशन वन एंड टू एंड दिस टू आर इक्वेशन वन एंड टू। पहला इक्वेशन लिख दो ठीक से कि 50 इज इक्वल टू 500 एम प्लस सी, दूसरा इक्वेशन कौन सा है 60 इज इक्वल टू 750 एम प्लस सी, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट। ये यूजुअली ऐसे ही होगा, क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर टू का साइन चेंज कर देंगे, ये सी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, अब इसको सॉल्व करो ऐड करो, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा जीरो, 500 एम माइनस 750 एम कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस 250 एम, ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा प्लस 50 माइनस 60 माइनस 10, देयरफॉर एम इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 250, देयरफॉर एम का वैल्यू कितना आएगा कैसे निकालो चेक करो 10 डिवाइड बाय 250, सो दिस इज 0.04, ये तुम्हें क्या मिल गया एम, रेगुलर प्रोसेस। फिर क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या इक्वेशन है 50 इज इक्वल टू 500 एम प्लस सी, देयरफॉर 50 इज इक्वल टू 500 एम, मुझे कितना मिला 0.04 प्लस सी, देयरफॉर सी कितना है 500 इंटू 0.04। ओके एंड डिमांड आंसर, सो दिस इज 30, दिस इज 30। ओके, सो फाइनल आंसर, व्हाट इज लॉ ऑफ मशीन, सो देयरफॉर अपना लॉ ऑफ मशीन इज P इज इक्वल टू एम, एम का वैल्यू कितना आया 0.04, W प्लस सी, सी कितना आया 30, सो दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ मशीन। यहां पे क्या लिखोगे
न्यूटन. सिंपल मशीन, ये चार चार मार्क के सम्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कुछ भी मार्क्स कट होने के चांस मत दो, ठीक है, एग्जामिनर को. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थ्री. ओके, सब ठीक से करो, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर थ्री. ओके, ये लिफ्टिंग मशीन, ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन. इफ द एफिशिएंसी इज 75%, कैलकुलेट एमए, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, वीआर, दैट इज वेलोसिटी रेशियो, इफ द मशीन लिफ्ट 20 किलो न्यूटन लोड बाय एफर्ट ऑफ 550 न्यूटन. फाइनली लॉ ऑफ मशीन. एक्ट टू के समझ से राइट, क्योंकि यहाँ पे दो एफर्ट है एंड दो लोड दिए, ठीक है, हमें मालूम है कि अगर एक से ज्यादा लोड और एफर्ट दिया है तो हमारा टाइप टू बन जाएगा. सिंपल, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया मुझे, कि ये लोड 10 किलो न्यूटन, मतलब 10 × 10³ न्यूटन, इतना लोड कौन लिफ्ट कर, कितना, इतना लोड मुझे लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट देना पड़ रहा है, That is P is equal to 300 न्यूटन. ओके, कितना देना पड़ रहा है, 300 न्यूटन. ओके, उसके बाद फिर क्या दे रहा है कि लेट से दिस इज माई कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन. ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफिशियंसी मशीन का कितना है, 75%, कितना है, 75%. तो ये मशीन के लिए क्या निकालो, फाइंड एम ए एंड VR. उसके बाद फिर तुम्हें एक और चीज दे रहा है, क्या दे रहा है, कंडीशन टू दे रहा है, क्या दे रहा है, कंडीशन टू दे रहा है, क्या दे रहा है, W कितना है कंडीशन टू में, दैट इज 20 किलो न्यूटन, मतलब 20 × 10³ न्यूटन, और उसको लिफ्ट करने के लिए तुम्हें कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, 550 न्यूटन. फाइंड लॉ ऑफ मशीन, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, राइट. तो यहां पे हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये एम ए वी आर एंड देन लॉ ऑफ मशीन, ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अस फाइंड एम ए वी आर, एम ए वी आर, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. एम ए, एम ए का फॉर्मूला क्या है, MA is what? W by P. What is W? 10 × 10³ by P कितना है? 300. Okay? Let us use calculator. Check करो कितना आ रहा है? 10 × 10³ divide by effort. 300. कितना आएगा ये? 33.33. Okay? Right? अब VR कैसे निकालेंगे? VR? VR is what? Y by X, लेकिन हमारे पास Y नहीं है, X नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन efficiency दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, therefore efficiency is equal to MA by VR into 100, right? VR into 100, so therefore efficiency कितना यहाँ पे, let's say 75 दिया है, mechanical advantage तुम्हें कितना मिला, 33.33 by VR into 100. Therefore, यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, वी आर मिलेगा, ठीक है, 33.33 × 100 डिवाइड बाय 75, सो देयरफॉर वी आर इज 44.44. ओके, एंड एम मुझे कितना मिला, एम इज 30. तो ये एक पार्ट हो गया, राइट. अब मुझे क्या निकालना है, अभी लॉ ऑफ मशीन निकालना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करेंगे. अब लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए वही हमारा रेगुलर अप्रोच रहेगा. ओके, कि कंडीशन वन से हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन वन से इक्वेशन वन, कंडीशन टू से इक्वेशन टू, फिर इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं, फ्रॉम कंडीशन
कंडीशन वन. मैं सीधा लिख दू, मैं p इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सीधे लिखा हूं, सीधा वैल्यू लिखूंगा. ठीक है, p इस इक्वेशन वन में p कितना है 300, m नहीं मालूम, w कितना है 10 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस 6. ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर वन. फ्रॉम कंडीशन टू, ठीक है, फ्रॉम कंडीशन टू क्या है, यहां पे 2 यहां पर है, p कितना है, दैट इज p इज 550 इज इक्वल टू m, w कितना है 20 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस c. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. तो कंडीशन 1 से इक्वेशन 1, कंडीशन 2 से इक्वेशन 2. नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2. सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ठीक से लिख लो उसको. दैट इज 300 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम प्लस 6 एंड 550 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेस टू एम प्लस सी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या करना है, एज यूजुअल इक्वेशन 2 का साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, अब दोनों प्लस सी माइनस सी कट हो जाएगा. यहां पे कितना बचेगा, प्लस 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम माइनस 20 इंटू 10 रेस टू 3 एम, कितना मिलेगा माइनस 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा ये प्लस 300 माइनस 250. देयरफॉर एम इज इक्वल टू माइनस 250 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 रेस टू 3. ठीक है, 1 इंटू 10 रेस टू 3 सॉल्व करके देखो उसको कितना मिल रहा है, 250 डिवाइड बाय, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0.025. ओके, सिमिलर प्रोसेस. अब यहां पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, 300 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस टू 3 एम, ये एम का वैल्यू कितना है, इंटू 0.025 प्लस सी. देयरफॉर यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए, सी का वैल्यू मिलना चाहिए, राइट. सो 10 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 0.025 300 माइनस एम, सो दिस इज 50. कितना ये 50, ओके, राइट. सो नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन, व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन क्या है, दैट इज पी इज इक्वल टू एम कितना है 0.025 डब्ल्यू प्लस सी, सी कितना है 50, और उसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट विल बी इन न्यूटन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, काफी सिंपल है, हाँ ये सब, लेकिन एक बार ठीक से प्रैक्टिस करना है उसको, और सिली मिस्टेक से बचना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ओके, नहीं तो ये फालतू के मार्क्स जाएंगे, ओके, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. सो नेक्स्ट स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. देखो, इन केस ऑफ लिफ्टिंग मशीन ए लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन एंड 60 किलो न्यूटन आर लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 550 न्यूटन एंड 1000 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, राइट, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन. ध्यान दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे किधर भी लिखा नहीं है कि फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, यहां पे मुझे किधर भी लिखा नहीं है फाइंड लॉ ऑफ मशीन, ओके, एंड मुझे क्या निकालने बोला है कि कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन.
याद रखो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा लोड या फिर एफर्ट दें तो हमें लॉ ऑफ मशीन निकालना ही पड़ेगा कंपल्सरी। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा लोड एंड एफर्ट दिया है तो हमें कंपल्सरीली क्या निकालना पड़ेगा, लॉ ऑफ मशीन, मतलब एम और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ डायरेक्टली हमें बताया नहीं है कि फाइंड लॉ ऑफ मशीन, लेकिन हमें हिंट कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे दो एफर्ट और दो लोड दिया है, तो मेरे दिमाग में ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे भाई अभी लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके जब लॉ ऑफ मशीन मिलने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। ओके, 100 किलो न्यूटन। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए केस ऑफ लिफ्टिंग मशीन ए लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, that is 30 × 10³ न्यूटन, एंड दूसरा लोड भी दिया है ऑफ 60 किलो न्यूटन, दैट इज 60 × 10³ न्यूटन, उसको हमेशा ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो ये लोड को लिफ्ट करने के लिए मैं कितना एफर्ट अप्लाई कर रहा हूं, 550 न्यूटन, और इसको कितना 1000 न्यूटन। सो दिस इज माय कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इधर भी बोला नहीं है कि फाइंड लॉ ऑफ मशीन, लेकिन फिर भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लॉ ऑफ मशीन निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो लोड है और दो एफर्ट है, मतलब एक से ज्यादा है। ओके, मैं भी फास्ट जाता हूं, ठीक है, वो सब लिखता नहीं अभी, लेकिन तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 यहां पे लिखता हूं बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 पी कितना है 550 इज इक्वल टू एम, डब्ल्यू कितना है 30 × 10³ प्लस सी, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 पी कितना है, पी इज 1000 इज इक्वल टू एम, डब्ल्यू कितना है 60 × 10³ प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक से लिखेंगे उसको, 550 इज इक्वल टू 30 × 10³ एम प्लस सी, दूसरा क्या है इज इक्वल टू 60 × 10³ एम प्लस सी। ओके, दिस इज वाई इक्वेशन 1 और 2। सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 का हम साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सी और सी कट हो जाएगा, इतना कितना मिलेगा मुझे यहां पे -30 × 10³ एम, और इधर मुझे कितना मिलना चाहिए -450। ओके, राइट, इतना मिलना चाहिए मुझे यहां पे -450। सो देयरफॉर एम इज इक्वल टू -450 डिवाइड बाय -30 × 10³। सो 450 डिवाइड बाय 30 × 10³ कितना आ रहा है एम, 0.055। तो मुझे एम कितना मिला, एम इज इक्वल टू 0.015। ओके, राइट, वही सिंपल प्रोसीजर। फिर हम क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन वन किधर इक्वेशन ये है ना 1, सो 550 इज इक्वल टू 30 × 10³ इंटू एम, एम का वैल्यू मुझे कितना मिला, दैट इज 0.015 प्लस सी। ओके, 0.015 प्लस सी, अब यहां से सी का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है 30 × 10³ इंटू 0.015 इज 100। ठीक है, राइट, तो मुझे लॉ ऑफ मशीन क्या मिला, देयरफॉर लॉ ऑफ मशीन
इज पी इज इक्वल टू एम कितना है, पी इज इक्वल टू एम कितना आया 0.015 W प्लस सी कितना है 100, ओके एन, ओके एन क्या है न्यूटन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आप कि क्या है क्वेश्चन, फाइंड एफर्ट, व्हाट विल बी द एफर्ट टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन, ओके राइट। ये है क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द एफर्ट टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन को तुम कन्वर्ट कर लो किसमें, न्यूटन में। अब इसका आंसर निकालने के लिए मुझे ये लॉ ऑफ मशीन का जो तुमने इक्वेशन निकाला मुझे उसका हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे उसका हेल्प चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन P इज इक्वल टू 0.015 इंटू W, W क्या है यहां पे, इट इज 100 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस, ओके ना फिर मैं पहले उसको लिख लेता हूं ठीक से, अगर तुम लोग कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं हो ना। सो फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन, क्या लॉ ऑफ मशीन है, इट इज पी इज इक्वल टू 0.015 W प्लस 100 इज इक्वल टू 0.015 इंटू W कितना है यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, ये ना वेट कितना है, सॉरी लोड कितना है 100 किलो न्यूटन, दैट इज 100 इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन। तो यहाँ पे W का वैल्यू पुट अप करो, ये वैल्यू W का वो यहाँ पे आ जाएगा, कितना है वो 100 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस 100। अब उसको जरा एलसीएम में कैलकुलेट करो, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 1600, क्या मिलेगा 1600 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर, ठीक है राइट। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 किलो न्यूटन मतलब 100 इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन का लोड लिफ्ट करने के लिए तुम्हें कितना एफर्ट अप्लाई करना है, तो लोग किसका हेल्प लेना पड़ेगा, लॉ ऑफ मशीन का जो इक्वेशन है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पहले लॉ ऑफ इक्वेशन का मशीन जो है वो लिख देंगे, उसके बाद फिर जो पी आएगा वो क्या रहेगा, दैट इज 0.015 इंटू W, W कितना था 100 इंटू 10 रेस्ट 3 वैल्यू पुट अप करोगे प्लस 100 तुम्हें जो पी मिलेगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ये हमने 4 सम सॉल्व किया आज, उसको ठीक से देखो राइट, नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइप 2 के इसको फुल कंप्लीट करेंगे, ओके, थैंक यू।